हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, उसका यूज़ क्या है। ओके, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो लूप के अंदर यूज़ होता है, और कंटिन्यू हमेशा क्या करते हैं, कंडीशनल के साथ लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू करो। मतलब क्या हुआ, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब तक लूप उसके कंटिन्यू के नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके, जैसे इसका ये कंटिन्यू जो है इज़ यूज्ड इनसाइड लूप। ओके, तो इसका एग्जांपल हम एक लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है, उसमें क्या बोलते हैं कि उस फंक्शन में एक लिस्ट पास करेंगे और बोलेंगे क्या कि जो पहला नंबर जो 10 या 10 से बड़ा है उसको रिटर्न करो। मान लीजिए एक लिस्ट लेते हैं, 1 2 3 4 5 10 4 5 2 1, ऐसे करके एक बड़ा सा लिस्ट ले लिया। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं कि फर्स्ट ग्रेट ग्रेटर और इक्वल टू 10, ऐसा एक फंक्शन है। ओके, और उसमें एक लिस्ट पास करते हैं लिस्ट टी। ये फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट जो है उसमें पहला नंबर जो 10 या 10 से बड़ा है उसको रिटर्न कर देगा। ओके, तो देखिए हम इसमें इसको प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। फॉर आई इन एल एल एस टी इफ आई लेस 10 10 कंटिन्यू। ओके, और फिर क्या लिखेंगे, रिटर्न आई। ये हो गया प्रोग्राम। ओके, क्या बोल रहा है कि जो भी लिस्ट पास कीजिएगा फंक्शन में उसमें वो इटरेट करेगा, और जब तक लिस्ट के जो एलिमेंट है वो 10 या 10 से 10 से छोटा अगर होगा या 1 से लेकर ना होता कुछ भी रहेगा तब तक वो कंटिन्यू करेगा। ओके, कंटिन्यू करता रहेगा, और जैसे ही 10 हुआ है या 10 से बराबर हुआ तो ये लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, जब तक 10 या 10 से छोटा रहेगा तो लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो कंटिन्यू के नीचे है। तो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो रहा है तब तक ये कंटिन्यू पे जा रहा है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा यानी आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जाएगा तब ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। तो फॉर लूप से बाहर और फंक्शन से भी रिटर्न हो जाएगा। ओके, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल कर देते हैं और लिस्ट एल को पास कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या आता है, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, जो भी वेरिएबल आया प्रिंट करना, तो प्रिंट ये क्या करना चाहिए, 10 प्रिंट करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है प्रोग्राम का। रन पे क्लिक कर दिया, देखिए आउटपुट आ गया 10। ओके, ये हो गया। तो ये हुआ कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज। हम यहाँ पे और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये 15 होता है तो भी काम करेगा। हम एक बार फिर से करके दिखा देते हैं, 15 लिख दिया वहाँ पर, तो 15 अब प्रिंट होना चाहिए इस बार। ओके, ID 18 पे क्लिक कर दिए, रन हो रहा है, देखिए 15 प्रिंट हो गया आउटपुट पर, स्टूडियो आउटपुट। ओके, तो ये हुआ कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा लूप में यूज होता है, फॉर लूप या वाइल लूप में भी यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए ये जो कंडीशन है इफ आई लेस देन 10, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो लाइन नंबर 8 में चला जाएगा, लाइन नंबर 7 में चला जाएगा प्रोग्राम, और लाइन नंबर 7 में कहता है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या हुआ कि लाइन नंबर 7 से ले वापस प्रोग्राम लाइन नंबर 5 में चला जाएगा। यहाँ से ये लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, कंटिन्यू से वापस चला जाएगा, वापस वापस ऐसा होता रहेगा, तब तक होगा जब तक आई 10 से छोटा है, और जैसे ही आई 10 से बड़ा हुआ है बराबर हुआ तो ये जो कंडीशन है लाइन नंबर 6 में फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो यानी कंटिन्यू पे प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट रिटर्न आई को चला जाएगा, और रिटर्न आई क्या रिटर्न हो गया मतलब प्रोग्राम से ही रिटर्न हो जाएगा आई, और उसको हमने प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट इस तरह से यूज होता है। कंटिन्यू का काउंटर पार्ट होता है ब्रेक स्टेटमेंट होता है, वो क्या करता है वहीं से प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है। उसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाया, आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।